बदली का असर होने के बावजूद तापमान में दिनों दिन कमी आ रही है। ठंड का असर तेज होने से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। हालांकि गुरुवार को दोपहर बाद खिली धूप, लोगों ने ली कुछ राहत की सांस, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही फिर कोहरे ने लिया घेर और ठंड बढ़ता गया। पछिया हवा की थपथपी भी बढ़ती चली गई। ठंड बढ़ने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। दोपहर के समय जहां तापमान 28 से 30 डिग्री रहती है, वहीं देर रात तापमान में 12 से 11 डिग्री सेल्सियस कमी देखी जा रही है। सर्द हवाओं के चलने का दौर अभी लगातार जारी है। शीतलहर होने से बीमारियों के बचाव के लिए भी लोग जुगाड़ में लगे हुए हैं। देर शाम को सफर करने वाले लोग भी गर्म कपड़े को लेकर चलते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके, जिससे सूर्योदय के बाद भी कोहरे की स्थिति बनी रहती है। हालांकि सुबह के समय स्कूल पहुंचने वाले बच्चों को भी खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के समय को अभी तक कोई सूचना नहीं है कि उसे यथावत रखा गया है या ठंड को देखते हुए पुनः इसकी अवधि बढ़ाई गई है। गुनगुनी धूप भाने लगी लोगों को गुरुवार को, लेकिन देर शाम होते ही फिर से पारा लुढ़का और ठंड ने अपना सितम जारी कर दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने पहले ही सभी अंचला अधिकारी को आदेश दिया था, साथ ही नगर आयुक्त को भी यह आदेश दिया गया था कि शहरी क्षेत्र से लेकर के ग्रामीण इलाके तक सभी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाए, साथ ही कंबल वितरण किया जाए स्टेशन पे, चौक चौराहों पे, ताकि ठंड से कुछ बचाव हो सके। शीतलहर के प्रकोप से बचाव हेतु 19 क्विंटल लकड़ी अलाव में जलाया गया। शीतलहर के प्रकोप से बचाव हेतु जिला क्षेत्र में जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। आपदा शाखा से प्राप्त सूचना अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 9 जगह सहित जिला में कुल 100 से अधिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसमें से दिल्ली मोड़, कंसी, मब्बी चौक, सीसो, शाहबाजपुर, लहरियासराय स्टेशन, टावर चौक, PHC हनुमान नगर, विशनपुर चौक, बहेरी बाजार, अतरवेल चौक, सिमरी चौक, भरवारा बाजार, जोगियारा स्टेशन, गांधी चौक, शंकर चौक, जाले, रनवे चौक, छतवन चौक, खिरमा चौक, केवटी, दहोरा चौक, नारायण चौक, राघोपुर पंचायत, मणिगाछी, बहेरा अस्पताल, धरौरा चौक, भरथा चौक, शिवराम चौक, बेलौन चौक, हावी भोआर, बेनीपुर, पकड़ी चौक, PSC, अलीनगर, पाली, घनश्यामपुर, जहां अंचला अधिकारी की ओर से अलाव की व्यवस्था की गई ताकि ठंड से ठिठुरते लोगों के लिए कुछ राहत का रूह लेकर आए यह अलाव। सरफराज आलम, BTA न्यूज। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। जनजीवन हरियाली अभियान, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के संदर्भ में 19 जनवरी को आयोजित राज्यव्यापी मानव श्रृंखला निर्माण हेतु जिला में की जा रही है तैयारी की समीक्षा की जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने राजेंद्र हॉल में। इस समीक्षा बैठक में महापौर बैजंती देवी खेरिया, नगर आयुक्त घनश्याम मीना, नगर विधायक संजय सरावगी के साथ ही सभी पार्षद प्रतिनिधिगण मौजूद थे। जिला में कुल 468 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। इस 468 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला के निर्माण हेतु कुल 35 रूट निर्धारित किए गए हैं। सभी रूटों पर प्रत्येक 1 किलोमीटर को 1 सेक्टर एवं सब सेक्टर में विभक्त किया गया है।
राज्य व्यापी मानव श्रृंखला निर्माण हेतु सरकार द्वारा शिक्षा विभाग को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही जिला में मानव श्रृंखला रूट के प्रति उपलब्ध कराने को भी कहा गया है, ताकि वे सभी जिले में अपने जिले की श्रृंखला को इस जिला से जोड़ सके। इस कार्य में जीविका, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, ANM, PDS, डीलर का बड़ा नेटवर्क माना गया है और इस सभी को मानव निर्माण श्रृंखला निर्माण में इन्वॉल्व किया गया है। और इसी के तहत राजेंद्र हॉल में भी बैठक हुई, जहां जिलाधिकारी ने उसे संबोधित किया कि 19 जनवरी को जल जीवन के साथ ही बाल विवाह, नशा मुक्ति एवं दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर राज्य व्यापी मानव श्रृंखला निर्माण किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, इसकी महत्ता बताते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM। स्थानीय वार्ड पार्षद, स्थानीय जनप्रतिनिधि के सब लोग भाग लिए। सभी लोगों को हमने यही अनुरोध किया था कि इसको सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, आम जनता, प्राइवेट, निजी संस्थान, NGO, सभी लोगों को प्रेरित करके इसमें एक ऐतिहासिक अवसर बनाएं। दरभंगा से पूरा बिहार को और पूरा बिहार से पूरा देश को और दुनिया के संदेश जाए, ये हम लोग को। सर, आपने कहा कि उत्सव का रूप इसे दिया जाएगा, तो किस तरह की तैयारी हो सकती है? उत्सव के रूप दिया जाने की यह महत्व है कि इससे जल जीवन हरियाली का जो कॉन्सेप्ट है उसका जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा होगा और लोग इतने बढ़ चढ़ के उनका भाग लेंगे कि उत्सव का रूप देने से एक खुशी का माहौल रहेगा। ये जो हरियाली का कॉन्सेप्ट है, खुशहाली तब होगा जब हरियाली बनी रहे, ये कॉन्सेप्ट है। तो वो खुशहाली का प्रतीक के रूप में, एक उत्सव के रूप में बनाने के लिए हमने। सर, ये भी कहा कि कुछ लोग जैसे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, ऐसे कौन? 5th स्टैंडर्ड तक का बच्चे को भाग लेने लगा है, बुजुर्ग लोगों को और गर्भवती महिला के जो लेट स्टेज ऑफ गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के लेट स्टेज में रहेंगे, उन लोगों को भाग लेने। सर, पिछले बार कुछ बच्चे बेहोश हो गए थे मानव श्रृंखला को देखते हुए, क्या कहेंगे उस पर? पिछले बार बेहोश थे उसका हमको कोई जानकारी नहीं है, हम लोग उसको मेडिकल और सभी सुविधाएं प्रदान करने का सुनिश्चित कराने का निर्देश दिए। हाँ, जनवरी 19 तारीख को 11:30 से 12 बजे के पूर्ण तैयारी के लिए मंच पर उपस्थित दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन जी, माननीय विधान पार्षद डॉक्टर अर्जुन सहनी जी, माननीय महापौर वैजयंती खेड़िया जी, नगर आयुक्त महोदय, प्रशिक्षु पदाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा से, मंच संचालक पूर्व महापौर अजय जलान जी, इस यहाँ उपस्थित माननीय पार्षदगण, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारीगण, विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन सुरेखा जी, विभिन्न विद्यालयों के, निजी विद्यालयों के संचालक और पूरे शहर में जो इस मानव श्रृंखला हेतु समन्वय बनाए गए हैं, जैसे हमारे समन्वय और शिक्षक, यह जो मानव श्रृंखला जो 19 जनवरी को पूरे बिहार में बनाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत अनोखी पहल जो है वो शुरू की है, उसी के तहत पूरे बिहार में 19 जनवरी को मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ बिहार की धरती से पूरे विश्व को, पूरे भारत को एक संदेश जाएगा कि जो जल जीवन हरियाली है, बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो है वो क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय को पहचाना और उसके लिए बहुत ही अच्छी पहल शुरू की। तो आज हम सबके सामने कई तरह की पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां हम देख रहे हैं, जैसे हाल ही के दिनों में हम लोग ने देखा कि पूरे शहर में, दरभंगा जैसे शहर में जहाँ जगह जगह पोखर हैं, तालाब हैं, वहाँ पे पानी का क्राइसिस हो गया। तो एक गंभीर विषय है कि आज आने वाले सालों में जो हमारी भावी पीढ़ी है उनको इस तरह की और समस्याएं होंगी, तो क्यों ना आज हम यहाँ से एक संकल्प लें कि जितने भी हमारे एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनका हमें प्रोटेक्शन करना है। जाता है अगर बच्चे का बाल विवाह नहीं करते हैं, कितनी लड़कियां
जला के मार दी जाती है, कुछ बीमारियां हो जाती है उससे बच जाएंगी, दयाल विवाह आपको नहीं करना है। तो हमारे लिए ही फायदा है, ये चीज हम लोग सोचे कि ऐसा हम लोग कुछ नहीं करें। ये सरकार का नियम बनाया गया है कि आप अपने जागरूक होइए और अच्छा अपने आप को बनाइए और आगे बढ़िए। हम लोग जहाँ भी जाए अभी आज के बाद ये बात करें, ये जो मानव सहिया जो बनने वाली है इसको मिलकर हम लोग काम करें। एक से अनेक होंगे, दो बढ़ेंगे, चार बढ़ेंगे, बढ़ता जाएगा और हम लोग मानव सहिया करने का काम बहुत अच्छा करेंगे। वीरेंद्र कुमार, बीटीए न्यूज। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। पिछले माह गौसा घाट में हुई सड़क दुर्घटना में घायल युवक के मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने दरभंगा सकरी पुराना NH-57 पर गौसा घाट पुल के पास सड़क को जाम कर आगजनी की। प्रदर्शन में शामिल छोटे बच्चे, युवा एवं महिलाओं ने बीच सड़क पर आगजनी का प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। मौत की खबर पर ग्रामीण आक्रोशित हो उठे एवं सुबह 9 बजे से ही सड़क पर बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों में आगजनी कर अपना विरोध जताया, मृतक के आश्रितों को मुआवजे की मांग कर रहे थे। घंटों बीतने के बाद पुलिस पहुंची, लेकिन उन्हें जाम कर रहे लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। इसके पश्चात ही RTS के निरीक्षक शिव मुनि प्रसाद दलवल के साथ वहाँ पहुँचे और मुआवजा देने के लिए वीडियो रवि सिन्हा ने भी अपने जनप्रतिनिधि को भेजा, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा था। श्री प्रसाद के काफी मान मनोबल के पश्चात लोग माने एवं जाम को हटाया गया। करीब 8 घंटे तक लगातार यातायात बाधित रहा। इधर वीडियो के प्रतिनिधि ने पारिवारिक लाभ योजना से 20,000 का चेक मृतक के आश्रितों को उपलब्ध कराया। वहीं मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद अकबर आजम ने कबीर अंत्येष्टि योजना से 3,000 रुपए लाश की दाह संस्कार के लिए प्रदान किए। मालूम हो कि पिछले महीने 28 नवंबर को खुटवारा मोड़ के पास उक्त गांव निवासी मोहम्मद मंसूर आलम के 21 वर्षीय पुत्र मोहम्मद नौशाद की किसी अज्ञात स्कूटी सवार से ठोकर लग गई थी। इस घटना में नौशाद बुरी तरह से जख्मी हो गया था। युवक का करीब एक माह से पटना के किसी अस्पताल में इलाज चल रहा था और इलाज के क्रम में ही बुधवार को उसकी मौत हो गई। हालांकि ग्रामीणों के मुताबिक इलाज में करीब 12 लाख रुपए खर्च हो जाने का बताया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने गरीब असहाय विधवा महिला की मदद के लिए हजारों रुपये चंदा कर इलाज के लिए पैसे से भी मदद की। अट्ठाईस तारीख को जो है ना, एक अज्ञात स्कूटी के द्वारा मोहम्मद नौशाद आलम सब्जी लेकर रिटर्न हो रहा था, ठोकर मार दिया गया, जिसका वहीं पे ब्रेन जो है ना फट गया था। उसको आनंद फानंद में DMCH ले गए, सिटी अस्पताल ले गए, फिर पटना में अनेक अस्पताल ले गए। इसका ब्रेन का फिर ऑपरेशन किया गया और जिस समय एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे स्कूटी वाला को पकड़ा गया था। दबंगों के द्वारा जो है वहाँ पे पैसा लेके स्कूटी वाले को पार कर दिया गया और जो वहाँ पे आदमी था उसके करीबी, जो भगाया उसका करीबी था। तो हम लोगों ने उस समय भी जाम किया था जिसका प्रशासन के द्वारा बोला गया कार्रवाई होगा। समझे, लोगों के द्वारा कहा गया कि अशोक यादव कोई है वो भगाया था उसको, उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक दिन के लिए जेल भी गया, उसी टाइम उसका बेल हो गया।
हम लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिला और आज की रात में उसका डेथ हो गया, जो हम लोगों को करीब 10 लाख रुपया के करीब जो मतलब खर्च हो गया। हमारा तो जो दोस्त था वो भी गया, उसका ज़मीन बिक्री में है वो भी चला गया, और कुछ फ़ायदा भी मतलब कानून कार्रवाई भी नहीं हुआ। जो किया है सज़ा उसको मिलना चाहिए ना। प्रशासन, हम लोग 9 बजे से जाम किए हुए हैं, 11:30 बजे सहायक थाना जो है मुरिया के पास, वो थाना 11:30 बजे आया, 1.5 घंटा में। अभी सदर थाना का कोई पता पता नहीं, हम लोग उसी को लेकर जाम। इससे पहले SP तक भी क्या हुआ था? आप लोग का क्या मांग है? आप लोग का, हम लोगों का मांग ये है कि प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, और गरीब जो लड़का है उसका फादर भी यहाँ नहीं है, डेथ हो गया, कोई घर में कमाने वाला माँ सब्जी बेच के कमाती है और उसका बच्चा का परवरिश करती है, तो अब तो पैसा है नहीं। 10 लाख रुपया सब्जी बेचना नहीं लाएगी कहाँ से, कर्ज हो गया। तो प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो मुआवजा हो सड़क हादसे का, जो मुआवजा दिया जाए उसको, दोषी पे कार्रवाई हो। इसके लेकर के आज आप लोग क्या किए हुए? हम लोगों ने सड़क जाम किया है विरोध में, हमारा जो लड़का डेथ हो गया उसके लिए, और प्रशासन वो कार्रवाई करते तो अब तक ऐसा नहीं होता। रोजाना शाम से लेके सुबह से लेके पूरे दिन राउंड मारता लड़का लोग। ये मेन रोड है, बच्चा देखता है, सियाना देखता, कुछ नहीं देखता, 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता है। पेट्रोलिंग टीम में कोई रोक के नहीं उसको कह सकता कि धीरे चलाओ, ब्रेकर बनाओ, इसका कोई रूल नहीं है। गौसा घाट में आए दिन एक्सीडेंट होता है, इसका कोई जवाबदेही नहीं है। जब देखिए तो कब कोई आके ठोक दिया, मार के चला गया, उल्टे रंगदारी करेगा, गाड़ी लेके भाग जाए। अक्सर गौसा घाट पे ये कांड होता रहता है। क्या नाम हो गया किसका? मोहम्मद फजली है। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। कमिंग सोन दिल्ली पब्लिक स्कूल क्लास नर्सरी टू 10th CBSE करिकुलम रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन ऑन 5th January 2020। साइलेंट फीचर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, क्रिएटिव टीचिंग, स्मार्ट क्लासेस, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्लास रूम्स, हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल, मार्शल आर्ट विल स्टार्ट, कंप्यूटर रूम अवेलेबल, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, सेशन 2020-2021, मिर्जापुर नियर सिटी लाइफ मॉल दरभंगा, 7739108822, 8797285570। मनरेगा की तरफ से पंचायतों में ग्राम सभा सह जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गए। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 14-15 के मनरेगा योजना का विशेष सामाजिक अंकेक्षण किया गया सिसो पश्चिम पंचायत भवन पर। वीडियो रवि सिन्हा व मुखिया शमशे आलम खां एवं खोटवारा मध्य विद्यालय में PO प्रेम कुमार व मुखिया जहीरा खातून की अध्यक्षता में सभा सम्पन्न हुई। जन सुनवाई में ग्रामीण मनरेगा मजदूर के जॉब कार्ड नहीं रहने, मजदूरी का भुगतान समय से नहीं होना एवं काम करने के दौरान किसी को घायल हो जाने पर मुआवजे की राशि उपलब्ध नहीं कराया जाना आदि बिंदुओं पर चर्चा कर सभी को समझाया गया। सभा में उपस्थित मजदूरों ने अपनी समस्याओं को पदाधिकारियों से अवगत कराया, जिस पर उन्हें हर हाल में लाभान्वित किए जाने का आश्वासन दिया गया। मनरेगा योजना के कई योजनाओं को भी प्रस्तावित कर प्रतिवेदित किया गया। सिसो पश्चिम पंचायत कार्यालय भवन पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय चौधरी, सरपंच मतलूब आलम खां, पंचायत समिति सदस्य नेहाल अहमद खां, पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी मौजूद थे। इधर खुटवाड़े में मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद अनवर आजम, जेई जयप्रकाश सिंह, PRS संजीव कुमार सहित अनेकों जनप्रतिनिधि और सभी वार्ड सदस्य उपस्थित हुए। उसके तहत दो पंचायतों पापड़ खंड में होना है, एक शिशु वेस्ट का और शिशु खुटवाड़ा का, जिसका 6 दिन कार्यक्रम चला और आज जन सुनवाई थी, जिसमें सभी जनता के सम्मिलित हुए और अपनी समस्याओं को रखा, और यहाँ पर इन सारे समस्याओं को कलेक्शन करके हम प्रतिवेदन देंगे और एक्शन के लिए हम लोग एक्शन कर रहे हैं। के लिए लोगों को जागृत किया गया। मनरेगा में जल जीवन और हरियाली, निजी जमीन में और यहाँ को क्या नाम है, स्वच्छता बनाना, ये सब मनरेगा के अंतर्गत आता है, जो हम लोग पंचायत के माध्यम से काम करवाते हैं। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार, हड्डी नस स्त्री रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज,
इंतजार किसका है, जाएं श्री विश्वदानंद हॉस्पिटल और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, बेहतर चिकित्सा हेतु उपलब्ध सुविधाएं। विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर झा, सुषमा शिखा, रामजी ठाकुर, मनीष कुमार, ईदगाह रोड बेता के निकट महारानी कल्याणी कॉलेज एवं नागेंद्र झा महिला कॉलेज। मोबाइल नंबर 9135915838 9437122570। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूजा श्री ज्वेलर्स दुकान में चोरी की घटना का हुआ पर्दाफाश। 3 चोर गिरफ्तार किए गए, साथ ही एक रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस, देसी कट्टा, मोबाइल फोन सिम के साथ 3 मोटरसाइकिल, होंडा कंपनी का सफ़ेद रंग के मोती का माला 15 पीस, सोना जैसे अंगूठी 5 पीस, सोना जैसी अंगूठी 6 पीस, तावीज 1 पीस और सोने का नथिया 86 पीस, सोने का नाक का छक 114 पीस, सोने का झुमका 12 पीस, सोने का कान की बाली 5 पीस, सोने का टॉप्स 45 पीस, लॉकेट 28 पीस, चेन 2 पीस, सोना का मंगटी का 5 पीस, लक्ष्मी जी का लॉकेट 2 पीस, चांदी की मछली 1 पीस, चांदी का हसली 1 पीस, चांदी का चेन 1 पीस पुराना, चांदी का पायल 9 पीस, चांदी का कड़ा 1 जोड़ा बरामद किया गया। मालूम रहे कि पिछले दिनों ज्वेलर्स दुकान में जब चोरी की गई थी तो उस दुकान में सीसीटीवी लगा हुआ था और उसी के फुटेज के आधार पर ये 3 की पहचान की गई थी, शक्तिमान दास रवि और शंका प्रधान, तीनों की पहचान की गई थी और जगह जगह छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान तीनों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग पहले झुमका और नकली ज्वेलरी बेचने का काम करते थे और उसी दौरान सुबह में दुकान को चिन्हित कर लिया जाता था और प्लान बना करके फिर रात में चोरी की घटना को अंजाम देते थे और सामान लेकर अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते थे। पूछताछ में पुलिस ने के सामने सभी ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में यह उद्भेदन हुआ है और उसी के आधार पर छापामारी अभियान किया गया, जिसमें 3 अपराधी, 3 चोर को गिरफ्तार किया गया। तमाम जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने मीडिया को दी। 3 शातिर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, इनके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। 18 तारीख को APM थाना अंतर्गत एक ज्वेलर की दुकान में चोरी हुई थी, इसमें गहनों का एक बैग चोरी कर लिया गया था। उसी केस के अनुसंधान में इनको गिरफ्तार किया गया है। ये 3 लोग, तीनों उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनके अन्य 2 साथी और 2 महिलाएं, वो भी गायब हैं, उनकी तलाश जारी है। पूछताछ से पता चला है कि ये लगभग 1 महीने से यहाँ पर रह रहे थे शहर में किराए पर, और ये कुल 5 व्यक्ति और 2 महिलाएं थे। इन्होंने और भी लहरिया सराय थाना अंतर्गत और एक बात मामले में और उनको इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इन्होंने बताया है कि ये कपड़ा बेचने के बहाने, माला बेचने के बहाने घूम घूम कर पूरे शहर में देखते थे और जहाँ इनको वीक पॉइंट मिलता था वहाँ ये चोरी को, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते थे। अब इनके पास से चोरी का पूरा माल बरामद हुआ है, इसमें काफ़ी तरह के गहने हैं और कुछ हथियार गोली बरामद हुआ है। इनके पास से 1 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल जब्त हुए हैं। इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। ये लोग पहले भी बंगाल और झारखंड में इस तरह के अपराध में जेल जा चुके हैं। सर कट कर दो। आर्म्स में 1 रिवॉल्वर और 1 कट्टा बरामद हुआ है। गहने में जो दुकान से जो इन्होंने चोरी किया था, बैग में जितने भी गहने थे वो सारे इनसे मिल गए। ये पूरे गहनों को लेकर उड़ीसा भागने की तैयारी में थे। अभी इनको जो हम लोगों ने जब्ती बनाई है, एक देखने से प्रमा फेसी लगता है कि इसमें काफ़ी वजन है, सोने के काफ़ी गहने हैं और निश्चित रूप से इनकी कीमत लाखों में होगी। थैंक यू, बस हो गया। सरफराज आलम, BTN न्यूज।
होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेजिडेंटल स्कूल रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20 कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट classrooms with smart screens, projectors and closed circuit cameras, special classes of model education, special facilities of foreign language Sanskrit Urdu classes, computer and science laboratories with modern equipment, high-tech transport facilities, online information and SMS alert system. Holy Mithila International School, Khazasarai, Lehriasarai, Darbhanga. Contact 7061845006 9234928396. दरभंगा जिला अपने स्थापना का 146वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है 31 और 1 जनवरी को। इस आयोजन से पूर्व कई तरह के प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रतिभागी भाग लेंगे और इसकी शुरुआत मिथिला पेंटिंग से की गई है। दीवार लेखन किया जा रहा है, दीवार पेंटिंग में कलाकार लगे हुए हैं। इसमें बाहरी और स्थानीय कलाकार को भी शामिल किया गया है जो कि अपने मिथिला पेंटिंग के माध्यम से दीवार पर इसे अपने अनुभवों को उकेर रहे हैं और इसका परिणाम होगा स्थापना दिवस के अवसर पर जो कौन घोषित हुए और किन्हें यह पुरस्कार दिया गया। स्थापना दिवस के अवसर पे हो रहा है, सबको मतलब ये हुआ है कि लिख करके दिए हैं कि जो मतलब जो चीज उठाए उन्हीं लोगों का थीम है, हमको मिला है अहिल्या कार्ने का थीम बनाने का। हाँ, मिथिला पेंटिंग का कार्ने बनाने। कब तक कंप्लीट होगा ये पेंट आपका? ये 4 दिन का है। अच्छा। हाँ बोले हैं नहीं, स्थानीय ही है। प्रतियोगिता हम लोग का चल रहा है जिला स्थापना दिवस के अवसर पर चल रहा है जो कि 31 दिसंबर को होता है आयोजन। इसका अभी जिला स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पे मिथिला पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। डीएम सर यहाँ पे लगभग 15 प्रतिभागी ले रहे हैं। इसका बराबर बराबर जगह दिया गया है, वार पेंटिंग है। क्या कुछ बना रहे हैं आप यहाँ पे? हमको मिला है थीम ये श्री गणेश का, गणेश जी का यहाँ पे बनाना है, चित्रण करना है। यहाँ पे पेंटिंग बनाने के लिए कहा गया, वॉल पेंटिंग, व्यक्ति चित्रकला जिसे कहा जाता है। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। समान कार्य समान वेतन, सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए, 3 सूत्री मांगों को लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से जिला स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया प्लस टू सफी मुस्लिम हाई स्कूल में। द्वारा किया शिक्षकों में एक आक्रोश है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शिक्षक आज जो है वो कुंठित हो रहा है। शिक्षक कुंठित हो चुके हैं, वे अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इलाज के लिए उनको उचित पैसे की पूर्ति नहीं हो रही है। आज शिक्षक इसलिए जनाक्रोश का रूप यह धारण कर लिया है। आज आम शिक्षक जो है वो सड़कों पर उतरना चाहता है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के निर्णय के अनुकूल तमाम 38 जिलों में जिला कन्वेंशन का आयोजन चल रहा है और इस कन्वेंशन के माध्यम से हम अपने सिपाहियों को तैयार कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं, इसलिए कि आने वाले दिनों में हम एक निर्णायक संघर्ष बिहार सरकार के साथ करने जा रहे हैं और वो संघर्ष हमारी 3 प्रमुख मांगों के लिए है। वर्षों से, पिछले 14 वर्षों से हमारे शिक्षक नियोजित के नाम पर काम कर रहे हैं स्कूलों में, लेकिन 14 वर्षों के दरमियान उनकी सेवा शर्त नियमावली की आज तक घोषणा नहीं हुई। जहाँ तक उनके वेतन का सवाल है, ये दूसरी हमारी मांग है कि वो अपने स्कूलों में आज के दिन
वो अपने पीउन से भी कम वेतन मान प्राप्त कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, भारत सरकार ने नियमित शिक्षकों के लिए जो 9300 से 34800 का वेतन मान दिया है, उसी वेतन मान में इनके वेतन का निर्धारण करके इनको न्यायोचित वेतन दिया जाए। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। रानी सती दादी झुंझुनवाली के मरसलाना मंगल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 28 दिसंबर को मंगल कला शोभा यात्रा गांधी चौक स्थित रानी सती मंदिर से सुबह 7 बजे अखंड ज्योति एवं भजन संध्या के साथ निकलेगी। 29 दिसंबर को संगीत में मंगल पाठ कोलकाता से आई नृत्य नाटिका की टोली के साथ होगी और 29 दिसंबर को ही शक्तिधाम मंदिर परिसर में रक्त शिविर लगाया जाएगा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से। 30 तारीख को जिन माता की मंगल शोभा यात्रा हो निकलेगी। इस बार ये मिथिला की पावन भूमि माँ जगत जननी सीता की जन्म भूमि मिथिला में 4 दिवसीय शक्ति उपासना का कार्यक्रम होने जा रहा है। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि मिथिला के लोगों को 4 दिवसीय शक्ति उपासना का मौका मिला है। इस बार श्री श्री 108 रानी सती दादी झुंझुनू वाली का मंगल सालाना उत्सव शक्तिधाम मंदिर गुल्लोवाड़ा में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर निम्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 28/12/2019 शनिवार को प्रातः 8 बजे से मंगल कलश शोभा यात्रा गांधी चौक स्थित श्री रानी सती मंदिर से, जिसमें महिलाएं वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया का 6वां राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक अभय आनंद, एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद श्यामल अहमद एवं महासचिव मारवन कोवेल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर एजुकेशन फॉर ऑल विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा की ओर से प्रबंधक राजीव कुमार, उप प्रबंधक संजीव कुमार सम्मिलित हुए थे। विद्यालय की कुशलता पूर्वक संचालित करते हुए एक मुकाम हासिल करने के लिए इन्हें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पुलिस महानिदेशक अभय आनंद और एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फादर पीटर के द्वारा दिया गया।